हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जैसे ही समर वैकेशन चल रहा है तो आप छुट्टियों में मामा फूफी के यहाँ आराम से घूम भी रहे होगे और साथ के साथ अपने पढ़ाई भी करते चलो। ये नहीं कि बस घूमने में ही सारा एफर्ट लगा दो, वरना फिर भूल जाओगे जो भी आपने पढ़ा होगा। तो आज हम देखो, यहाँ चैप्टर 5th की जगह है, चैप्टर आपका कितना है, चैप्टर आपका 3rd है ये। ठीक है, चैप्टर आपका कौन सा है आप बोलोगे सर 3rd है, तो यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई। चैप्टर 3rd आपका, एक्सरसाइज आपका 3B। ठीक है, क्लास 8 का आज हम मैथ कराने वाले, जो कि हम आर एस अग्रवाल की बुक से कराते हैं। कहाँ से कराते हैं? आर एस अग्रवाल की बुक। ठीक है, आर एस की बुक से हम कराते हैं, जिसमें कि 3B एक्सरसाइज आपकी चलेगी। मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपसे बोला था, पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने सिखाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और कौन से मेथड से, और आपके डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो पहले इस एक्सरसाइज में देखते हैं आपका क्या है। हो सकता है इसी में आपका डिवीजन मेथड आ जाए, तो अलग से आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपका गिव रीजन टू शो डेट नन ऑफ दी नंबर्स गिवन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको इनमें से बताना है कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, डेट नन ऑफ दी गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उन्हें कुछ नंबर तो आप देखते ही बता देते हो, या कुछ के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने होते हैं, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमेशा याद रखना परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट। देखो, अगर आप स्क्वायर निकालोगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा आप बोलोगे 1, 2 का कितना होगा आप बोलोगे सर 4, 3 का कितना होगा आप बोलोगे सर 9, 4 का कितना होगा आप बोलोगे सर 16, 5 का कितना होगा आप बोलोगे सर 25, 6 का कितना होगा आप बोलोगे सर 36, 7 का कितना होगा आप बोलोगे सर 49, 8 का कितना होगा आप बोलोगे सर 64, 9 का कितना होगा आप बोलोगे सर 89, 10 का कितना होगा आप बोलोगे सर 100। ये सभी को याद होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 30 तक सभी को याद होनी चाहिए। अब देखो, 1 1 4 4 9 9 6 6 5 और 0। परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के लास्ट में देखो 1 4 9 6 5 और ये 0, ये नंबर आ सकते हैं। कौन से नंबर आपके नहीं आएंगे? 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता और 8 नहीं आ सकता। ये 4 नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको उसे फैक्टर करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो देखो जैसे कि इसके नंबर के लास्ट में क्या आ रहा है, 2, तो परफेक्ट स्क्वायर आप बोल दोगे सर नहीं है, देखते ही बता दोगे आप सर ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। लास्ट में 3 आ रहा है, मैंने क्या होता है 3 भी नहीं आएगा किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में, आप बोलोगे सर यहाँ आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। रीजन क्या देना है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो आपका क्या है, 2 3 7। 2 3 7 अगर 8 आपका वो लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर का, तो वो आपका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका नहीं हो सकता है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो सर ये भी नहीं हो पाएगा। लास्ट में क्या आ रहा है आप बोलो सर 8 आ रहा है, ये भी आपका नहीं हो पाएगा। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे समझ में आ गए। ठीक है, अब देखो सर लास्ट में 0 आ रही है, हो सकता है, चांस है। परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 0 हमेशा अब सिंगल नहीं आएगी, 0 हमेशा आपकी डबल आएगी। ठीक है, या तो 0 डबल आएगी, या 4 times आएगी, या आपकी 6 times आएगी। ठीक है, या आपकी 8 times आएगी। ठीक है, 2 के मल्टीपल में आएगी आपकी 0। ठीक है, यहाँ आपकी 0 आप बोलोगे सर 1 times है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ आपकी 0 सर आपकी 1 2 3, 2 के मल्टीपल में नहीं आता सर 3, 2 के मल्टीपल में 3 आता, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या है आप बोलो सर, इसमें भी आपकी 5 0 है, 1 2 3 4 5 5 सर 2 के मल्टीपल में आता है, आप बोलो सर नहीं आता, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे समझ में, आपको कोई फैक्टर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इसमें कोई डिवीजन मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होगा जिसके लास्ट में 2 3 7 और 8 नहीं आएंगे, 2 3 7 और 8 नहीं आएंगे। और अगर आपकी 0 आती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में, 0 कैसे आएंगे आपके, 2 के मल्टीपल में, मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल में आएंगे आपकी 0s जो आएंगी, कौन सी जो 0 आपके 2 के मल्टीपल में आएंगी। आई समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके। अगर आप मैं कोई नंबर लिख दूं ये, तो इसके ना परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस है, ये कंफर्म नहीं कि है या नहीं है, उसके लिए आपको चेक करना होगा। लेकिन अगर मैंने 6 की जगह क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो आप देखते ही बता दोगे सर आ गए लास्ट में 2,
आपने तो बोला था कि लास्ट में टू आता है, पर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, तो ये आपका कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, रीजन क्या देना आपको इन सभी में, ठीक है, लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज टू, टू है तो टू लिखना है, थ्री है तो थ्री लिखना है, सेवन है सेवन लिखना है, सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम ये समझ चुके हैं। और जीरो वाले में क्या लिखेंगे, लास्ट सॉरी लास्ट में क्या आपका, इन लास्ट ऑफ दिस नंबर इज सिंगल जीरो आपकी, ठीक है, या फिर ये कह सकते हो जो जीरो आपकी किसके मल्टीपल में होनी चाहिए, लास्ट में जीरो जो है आपकी ओनली वन है, ठीक, और जीरो आपकी कैसे होनी चाहिए, जो जीरो आपके टू के मल्टीपल में होनी चाहिए, ठीक है, जीरो इन लास्ट ऑफ एनी नंबर, जीरो इन लास्ट नंबर ऑफ एनी नंबर इज नॉट द मल्टीपल ऑफ टू के मल्टीपल में ये आपकी जीरोज नहीं आ रही है। आई समझ में, अगर ये जीरोज यहाँ देखो, अगर सिंगल की जगह डबल जीरो होती तो स्क्वायर रूट हो जाता, क्योंकि 36 का होता, आप बोलो सर 6 का होता है, जीरो के लिए डबल जीरो के लिए सिंगल जीरो, तो 60 का स्क्वायर हो जाता आपका। 60 का अगर आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 60 कैसे निकालोगे, 6 का कितना होता है, बोलो सर 36 जीरो की डबल जीरो, ठीक है, इसलिए जीरो हमेशा टू के मल्टीपल में आपकी आएंगी। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हमेशा आपका समझ चुके हैं, ठीक है, ये आप बता दोगे कि आपका क्यों नहीं लास्ट डिजिट आपका ये है और वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट में बिल्कुल भी नहीं आता है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स के स्क्वायर कौन से है ये पता लगाना है आपको, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, आप बोलोगे सर जो टू से डिविजिबल होते हैं। अब इवन नंबर कौन से होते हैं पहले ये लिख लीजिए, डिविजिबल बाय टू, ठीक है, जो नंबर आपके टू से डिविजिबल हो जाए या मल्टीपल ऑफ टू या टू के मल्टीपल में आते हैं, टू से डिवाइड हो जाए, वो आपके इवन नंबर होते हैं। आगे समझ, आप बोलोगे जी सर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, कैसा होता है, वो आपका ऑलवेज इवन होता है। आप बोलोगे जी सर, आप बोलोगे सर कैसे, टू का स्क्वायर टू इवन नंबर है, आप बोलोगे जी सर टू हमारा इवन नंबर है, टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, और फोर भी आपका इवन नंबर है जी, फोर का स्क्वायर करेंगे आप बोलोगे सर 16 भी एक इवन नंबर, आप बोलोगे जी सर 6 का स्क्वायर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 36 ये भी आपका एक इवन नंबर है, 8 का स्क्वायर करोगे आप कितना आएगा, आप बोलोगे सर 36 ये भी आपका इवन नंबर है, ठीक नहीं 8 का आएगा आपका 64, ठीक है, 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, आप बोलो सर 100 ये भी आपका इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर करोगे इवन नंबर आएगा और ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड नंबर आएगा, ठीक है, ये तो होगा इवन। अगर ऑड की बात करते हैं, ऑड नंबर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, ये सभी आपके ऑड नंबर है, ठीक है। इसमें क्या पूछा, इसमें बताना है कि कौन सा इवन नंबर्स का आपका स्क्वायर है, अगर इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में इवन नंबर आएगा, मतलब कि वो नंबर आपका इवन होगा, ये नंबर आपका इवन है, आप बोलोगे जी सर कैसे पता चला, लास्ट में आपका क्या रहा, आप बोलो सर 6 आ रहा, और 6 आपका क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, 6 आपका क्या होता है, 6 आपका एक इवन नंबर होता है, आप बोलोगे जी सर, ठीक है, आए समझ में, ठीक है, ये आपका क्या, आप बोलोगे सर यस ये आपका एक इवन नंबर है, ठीक है, ठीक है, 441 लास्ट में क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर ऑड नंबर है, तो ये आपका किसका नंबर होगा, ये आप बोलोगे सर ये ऑड का होगा, तो ये आपका इवन का होगा, आप बोलोगे सर नो, ठीक है, लास्ट में क्या आ रही है, जीरो आ रही है,
इवन का होगा, आप बोलोगे सर यस इवन का ही आपका होगा। लास्ट में क्या आ रहा है, फाइव, ये सर आपका ऑड का होना चाहिए, इसका होना चाहिए तो आपका ऑड का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इवन का होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ऑड की कंडीशन में आपको पता चल गया और इवन कंडीशन में आपको पता चल गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर्स, ये आपको बताने हैं कि कौन से स्क्वायर आपके ऑड नंबर के हैं। लास्ट में क्या आ रहा है, आप बोलो सर फोर आ रहा है, फोर आपका इवन नंबर होता है, तो इवन का होगा ऑड का होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, टाटा टाटा कर दिया करो साथ के साथ। आगे देखो लास्ट में क्या आ रहा है, नाइन आ रहा है, आप बोलो सर ऑड नंबर है, हाँ जी सर ऑड नंबर है। आपको ये चेक नहीं करना ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उन्होंने परफेक्ट स्क्वायर ही आपको गिवन किए होंगे, यानी कि पहला परफेक्ट स्क्वायर चेक करोगे फिर उसके बाद बताओगे सर ये तो आपका आंसर निकालोगे उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तब पता लगा, जब बताओगे कि वो आपका इवन नंबर आया ऑड नंबर आया, ऐसा समझे। आप बोलोगे जी सर लास्ट में वन आ रहा है, आप बोलोगे सर ये तो ऑड नंबर में ही तो आपका आता है, ऑड नंबर में ही आता है आपका, यस हो जाएगा आपका। सिक्स आ रहा है इवन नंबर है तो ऑड कंडीशन में आएगा, आप बोलोगे सर ऑड में तो आएगा नहीं हम नो कर देंगे इसको। फाइव आ रहा है तो सर ऑड है तो होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, ऑड की बात चल रही है यहाँ पे, बस आपको यस और नो लिखना है इनो में और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विदाउट एडिंग, बिना एड किए आपको इनका सम बताना है, ठीक है। पहले हम छोटे छोटे नंबरों से देखेंगे, ठीक है। वन प्लस थ्री अगर इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, फोर। देखो ये आपके टू नंबर है तो ये क्या फोर क्या, टू का स्क्वायर है, वन थ्री फाइव ये ऑड नंबर्स का सम है, ठीक है। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, नाइन। ये कितने नंबर आप बोलोगे सर, थ्री नंबर थे तो थ्री का स्क्वायर आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। अगर आप चार नंबर लेते हो, वन थ्री फाइव प्लस सेवन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर सिक्सटीन। ये फोर नंबर है, सिक्सटीन क्या होता है, फोर का स्क्वायर होता है। उस कॉन्सेप्ट आया समझ में, क्या लॉजिक लगा रहे हैं, अगर दो नंबर ऐड कर रहे हैं तो दो का स्क्वायर होगा, मतलब टू नंबर ऐड कर रहे हैं टू का स्क्वायर, थ्री नंबर ऐड कर रहे हैं थ्री का स्क्वायर, फोर नंबर ऐड कर रहे हैं फोर का स्क्वायर, फाइव नंबर ऐड करेंगे फाइव का स्क्वायर लिख दीजिए डायरेक्ट, सिक्स नंबर ऐड करेंगे सिक्स का स्क्वायर लिख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। और करके बता दीजिए मुझे इसे, ठीक है। कंडीशन उसी में लगेगी, सभी आपके ऑड नंबर होने चाहिए क्रम से रेस्पेक्टिवली, वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन सेवन नो फिफ्टीन सेवनटीन नाइनटीन ऐसे आपके, आए समझ में। आप बोलोगे जी सर वन, अब ये नंबर गिन लीजिए, देखो ऑड नंबर एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सेवन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर फोर्टी नाइन, खत्म। ऐड नहीं करना आपको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर वन हंड्रेड। आगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, 12 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने बोला कि 30 तक स्क्वायर याद कर लो, लेकिन भेजे में तो बात आपकी घुसेगी नहीं, भेजे में तो बात एक बार की घुसती नहीं है। 12 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे सर 144 होता है, ठीक है। कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद ही होना चाहिए, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी करते हो ना अटक जाओगे फिर, ठीक है। जैसे कि अगर आपको ये दे दिया ना 1681 कि इसके फैक्टर कीजिए बताइए परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, अगर आपको डिवीजन मेथड आता होगा तो आप अच्छे से कर लोगे इसको, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप इसको करोगे तो आपसे होगा नहीं, ये 41 से डिवाइड होगा 41 बार 41 से वन टाइम ये होगा, ऐसा में आप बोलोगे जी सर, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्पेशल नंबर होते हैं तो फोकस क्या करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका, सॉरी देखिए फर्स्ट ऑल एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ नाइन ऑड नंबर्स। देखो अभी आपने क्या किया था, इसमें क्या था आपने, इन सभी का सम जितने नंबर है उनका स्क्वायर। अब आपको बोल दिया गया 49 को ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए जैसे ये आपका 49 को, नाइन आपके यहाँ उठ के आ गया, देखो 49 को ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए जैसे कि आपका ये 49 को ऐसे करना आपको। अब 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो आपको 7 ऑड नंबर्स का सम करना है 1 से लेकर 1 3
5, 7, 9, 11 ऐसे सेवन नंबर्स का, ठीक है। अब इनमें क्या पूछा आपको, 81। फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा, अब 81 कितने का स्क्वायर होता है, आप बोलो सर 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 ऑड नंबर्स का सम करना आपको, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 कितने नंबर हो गए, और आपका एक नंबर हमने ब्रेक कर दिया 15, 17 ये हो गए आपके 15 और 17 ये हो गए आपके पास। अगर इनको आप ऐड करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के स्क्वायर 81 ऐसे आपको 100 को करना है। 100 को कैसे करोगे, आप बोलोगे सर 100 क्या होता है, 100 होता आपका 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 आप बोलोगे जी सर, ठीक है। पहले क्वेश्चन मैंने आपको 19 तक ऐड करके बताया था, वो किस क्या बनेगा आपका 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। इस बार 100 को आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना था, आपका कहाँ तक बनेगा वो, फिर वो आपका फिर 19 तक बन जाएगा ऐसा में, आप बोलोगे जी सर। और फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही खत्म हो गया है, ठीक है। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन आपके बहुत ही जी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर, उसका स्मॉलेस्ट मेंबर आपको ये गिवन है 6, 14, ठीक है 16 और 20। अब आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको कैसे बनाने हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट उनकी जो फॉर्म होती है आपकी होती है 2m, m² -1 और m² +1 इस फॉर्म में आपके होते हैं, ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी, ठीक है। ये आपके इस फॉर्म में होते हैं, आप बोलोगे जी सर। स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये होता है 2m। अब 2m की वैल्यू आपको कितनी गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम यहाँ से फर्स्ट वाला 2m आपको 6 गिवन है, जो कि आप लेट करोगे किसके 2m के बराबर 6 गिवन है। अब हम लेट करेंगे, लेट 2m इक्वल आपका 6, तो m की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 6 और 2 यहां मल्टीप्लाई में इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर m की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3। आगे बहुत अच्छे से आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से भी समझ चुके हैं। फिर आगे आपका क्या m² -1, ये तो फर्स्ट देखो एक नंबर तो आपको 6 गिवन ही है, ठीक है एक नंबर तो आपको 6 गिवन, दूसरा नंबर निकालना है आपको, ठीक है। अब m, अब दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका 2m के बराबर ही है, दूसरा नंबर क्या आपका m² -1, m कितना बोलो सर 3, 3 का स्क्वायर -1, 9, 9 में से 1 को माइनस करेंगे आप बोलोगे सर 8 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर 8 आ जाएगा, ये आपका सेकंड नंबर हो गया। फिर दूसरा क्या आपका m² +1, 3 का स्क्वायर +1, 9 +1 आपका होता है आप बोलोगे सर 10, ठीक है। तो आपके नंबर्स कौन कौन से आ गए आप बोलोगे सर 6, 8 और 10। अब ये ट्रिपलेट आपका होता क्या है, ये नंबर तो आपने निकाल लिए लेकिन ट्रिपलेट की आपको जानकारी होनी चाहिए। ट्रिपलेट ऐसे तीन नंबर्स आपके होते हैं, ऐसे थ्री नंबर्स, ठीक है, जिनमें से अगर कि दो स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपका 3 से 3rd नंबर के बराबर आएगा, जैसे कि 3, 4 और 5 टू स्मॉलेस्ट नंबर है आपके, ठीक है 3 और 4। अगर 3 और 4 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर इसका होता है 9 और इसका होता है 16। अगर आप इन दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दो कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 25 आ जाएगा 25, आप बोलोगे जी सर 25 आ गया, ठीक है। अगर आप जो थर्ड वाला लार्जेस्ट नंबर अगर इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है अगर इसका स्क्वायर करोगे तो वो कितना आएगा 25, वो अगर इसके बराबर आपका आ रहा है तो ये तीनों नंबर कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, ये तीनों नंबर आ जाएंगे आपके ट्रिपलेट की कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, वो तीनों नंबर आ जाएंगे आपके ट्रिपलेट की कैटेगरी में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से मैं समझ चुके हैं। अब ये चेक कीजिए ये ट्रिपलेट है या नहीं है, 6, 8 और 10 आप बोलो सर 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है
एट का स्क्वायर कितना होता है आप बोलो सर, 64। टेन का कितना होता है? अगर दो स्मॉलेस्ट नंबर के स्क्वायर को अगर आप ऐड करोगे तो वो थर्ड के बराबर आना चाहिए, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। दोनों को अगर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 100 ही आ रहा है, और जो कि आपका थर्ड के बराबर है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से समझ में आ गए। तो ट्रिपलेट आपके क्या होते हैं, ट्रिपलेट की कंडीशन आपकी ये होते हैं, ये आपको याद रखना है। 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर आपका 2m होता है। ट्रिपलेट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिनके अभी समझ में नहीं आया, ध्यान कहीं और होगा, वीडियो यार ये देख रहे हैं। आके आपका 14, अगर सेकंड वाला अगर सॉल्व करते हैं तो 14 गिवन आपको, तो आपको लेट क्या करना है, लेट 2m इक्वल, आप बोलोगे जी 14 है, 2m इक्वल क्या आपका 14, आप बोलो जी ठीक है। तो m कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आपका डिवाइड में आ जाएगा। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 7 आ जाएगी, एम की वैल्यू 7 आ गई। सेकंड नंबर आपका क्या होगा, आप बोलो सर एम स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या होगा सर एम स्क्वायर प्लस 1। एम कितना, आप बोलो सर 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1, आप बोलो सर 48 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर तो याद ही होगा, डूब के मर जाओ वो भी याद नहीं है तो अगर 5। अब यहाँ क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 कितना, आप बोलो सर 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 50, ठीक है। 48, 50 और 7, नहीं हाँ 48, 50 और 14, ये आपके क्या तीनों ट्रिपलेट हो जाएंगे। 14, 48 और 50, ये तीनों कौन क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे सर ट्रिपलेट हो जाएंगे, आप बोलोगे सर ठीक है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा ये आपके ट्रिपलेट हैं या नहीं है, तो चेक कीजिए 14 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 196। 48 के स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर निकालने नहीं सिखाए थे मैंने ट्रिक से, ठीक है। स्क्वायर निकालने क्या सिखाए थे, 48। और देखो ये 50 के अगर नज़दीक है, मैंने 100 के नज़दीक वाले तो आपको सिखा दिए थे लास्ट वीडियो में, 50 के नज़दीक वाले और देख लीजिए, ठीक है। एक न्यू पेज ले लेते हैं, 50 के नज़दीक वाले देख लेते हैं, फिर स्क्वायर नियर बाई 50 के नज़दीक वाले देख लेते हैं। अगर आपको निकालना है 49 का स्क्वायर है, आप बोलोगे जी सर अभी 50 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 50 से तो 1 कम है, लेकिन आपको 2 डिजिट में लेना है, कितने में, डबल डिजिट में लेना है, तो 01 हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर। अब 50 का हाफ क्या होता है, आप बोलोगे सर 50 का हाफ होता है आपका 25, ये 50 से कितना कम है, आप बोलो सर 1 कम है, तो 25 में से 1 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 24। अब बोलो सर ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है, और चेक करते हैं 48 का, अगर आप ऐसे ही निकालोगे तो 48 कितना कम है, आप बोलो सर 2 कम है 50 से, 2 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलो सर 04। और 50 का हाफ कीजिए, 50 का हाफ कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 25 में से 2 और कम कर देंगे, 2 और लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा 23, ठीक है। अगर आगे वाले लेते हैं जैसे कि 52 का करेंगे या 54 का करेंगे तो कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर 250 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर कितना होता है 04। अब अगर 50 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 25 में, अब ये देखो ये 50 से 2 ज़्यादा है तो 25 में 2 ऐड कर देंगे, कम होता तो माइनस कर दे जैसे हम माइनस किया था, ठीक है। तो इसमें 2 वो कर देंगे कितना हो जाएगा, उसमें 25 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 27। आगे सर आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से मैं समझ चुके हैं। आगे देखते हैं 54 कितना ज़्यादा, आप बोलोगे सर 64 ज़्यादा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 16। अब 50 का हाफ कितना होता है 25 में 4 और ऐड कर देंगे 29, आप बोलोगे जी सर ये तो बहुत अच्छी बात बता दिया आपने। आगे सर में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर और निकालते हैं तो 45 का निकालते हैं, 40 जिसके लास्ट में 5 होता है उसकी ट्रिक तो बताई थी लास्ट में, 5 का स्क्वायर 25 और 4 क्या क्या था 5 4 जा कितना हो जाता है, आप बोलोगे सर 20। और इस ट्रिक से निकाल के देखिए इसको सर 5 कम है तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। अब 25 का हाफ करेंगे नहीं 50 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 25 में से ये 5 लेस है ना 50 से, तो 25 में से 5 और लेस कर देंगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 20 हो जाएगा। जी सर आंसर सेम आ रहे हैं दोनों से, इसका मतलब दोनों ट्रिक आपके वर्क करती हैं। सॉरी
ये ट्रिक भी आपकी ऐसे ही वर्क करेगी, अगर 55 का स्क्वायर निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आएगा, ठीक है। अब 48 का आपने निकालना है 23304, कितना आएगा 2304। और यहाँ 5 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर, 25 और 00, जिसके लास्ट में जीरो होते हैं उसका स्क्वायर भी बहुत सिंपल होता है। 50 का स्क्वायर क्या आता है, 5 आता है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर, 25 हो जाएगा, और 00 हो जाएगी आपके, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ये इसके बराबर ही आपका आएगा, चेक करके देख लेना। इसका मतलब ये तीनों के आपस में ट्रिपलेट है, क्या है, ट्रिपलेट है। अब ये वाला करते हैं नेक्स्ट, 16 वाला 20 वाला नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसके लिए। अब पेज का कलर मैं कर लेता हूँ चेंज, ठीक है, ये ले लेता हूँ। अगर समझ आप बोलो जी सर, कौन सा था आपका थर्ड वाला 16, तो हम क्या लेट करेंगे सर, लेट 2m इक्वल 16, तो m कितना आ जाएगा यहाँ से आप बोलोगे सर 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बोलोगे सर 8, m की वैल्यू आ गई आपकी 8, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आप बोलोगे सर m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, m कितना 8, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर कितना होगा आप बोलोगे सर 64 माइनस 1 63, 68 आपका, 8 का स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर 65, ठीक है। तो ट्रिपलेट आपके कौन कौन से हो जाएंगे, 16 के साथ 63 और 64। आगे सर आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हमने समझ चुके, और फोर्थ वाला कितना था आपका, आप बोलोगे सर फोर्थ वाला हमारा 20 था, कहाँ गया आपका था? कौन सा 20, ठीक है। और 20 बताना आपको फोर्थ वाला आपका सर 20, तो आपको लेट करना है, लेट 2m किसके बराबर हो जाएगा आप बोलो सर 20 के बराबर हो जाएगा आपका, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 का हाफ कर देंगे, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बोलो सर 10 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको निकालना है m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस का 1, m कितना आप बोलो सर 100 नहीं 10, 10 माइनस 1, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा आप बोलो सर 99, 10 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 100 प्लस 1 आप बोलो सर 10, कौन कौन से हो जाएंगे आप बोलो सर 20, 99 और 101, ये आपके तीनों ट्रिपलेट हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिपलेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं फिर, ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 था आपको इवेलुएट करना है 38 स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, ये मैंने ट्रिक आपको बताई भी थी अपने चैनल पे, स्टडी दाका सर के नाम से चैनल है, ठीक है। तो इस ट्रिक में आपको क्या होता है, फॉर्मूला लगता है आपका, आपको याद होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है आप बोलो सर ए प्लस बी और ए माइनस, ठीक है। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम आपका समझ चुके हैं, ठीक है। आप बोलोगे जी सर ये आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो अब इसके आंसर बताने हैं आपको, 38 स्क्वायर माइनस 37 के स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आप बोलोगे सर ए प्लस बी और ए माइनस बी, 38 प्लस 37 और 38 माइनस, देखो डायरेक्ट आंसर आएगा ये, तो मैं बस आपको एक लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सभी में एक एक का डिफरेंस है तो बहुत इजीली हो जाएगा, देखो इन दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर 75 और मल्टीप्लाई होते हैं इन दोनों के बीच, आप बोलोगे जी सर, ठीक है। 38 में से 37 को माइनस करेंगे आप बोलोगे सर कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 1 बचेगा, कितना बचेगा आपका, आपका 1 बचेगा। और 35 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 75 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा आप बोलोगे सर 75 आ जाएगा, 75 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर 75 आ जाएगा, लेकिन इतना आपको करना नहीं है, ठीक है, इतना आपको करना नहीं है, डायरेक्ट आंसर बता दूंगा मैं। देखो आपको क्या करना, इन दोनों को ऐड करना, आपने इन दोनों को बस ऐड ही तो किया है, आप बोलोगे जी सर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही रहेगा,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इन दोनों को ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा बोल सर 149, इन दोनों को माइनस करके 1 बचेगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 149 ही आएगा आपका, यही तो आएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आगे बढ़ते तो इन दोनों को ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 209, और डिफरेंस लेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 209, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 281 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 281, ऐसे इसमें करेंगे तो आप बोलो सर ऐड करेंगे तो 183 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये कितना आएगा 183 आपका आएगा, ठीक है। अगर इसमें माइनस करेंगे तो आपको 1 बचेगा, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 35435 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका 435, ठीक है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से भी समझ चुके हैं। ज़्यादा लॉन्ग मेथड आपको ले जाना है तो पहले इनको प्लस ये शो करके दिखाइए कि आपने प्लस किया है, और मल्टीप्लाई फिर माइनस शो करके दिखाइए। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट प्लस करके यहाँ लिख दिया, माइनस करके डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई किए, ठीक है। ये नहीं कि बस पूरा एक एक स्टेप लिख के आपको बताऊँ, फिर उसी में टाइम आपका गायब हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या यूजिंग द फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये इस फॉर्मूला का आपको यूज करके बताना है, ठीक है। इस फॉर्मूला का आपको यूज करना है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप ये करोगे कैसे, आप बोलोगे फर्स्ट वाला 310 का स्क्वायर, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, आप बोलोगे सर 300 प्लस 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखो वही वाली कंडीशन बन गई, ये ए हो गया और ये हो गया आपका बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलो सर ए का स्क्वायर प्लस 2ab टू 300, बी कितना आप बोलो सर 10, और प्लस का बी का स्क्वायर, आप बोलोगे जी सर 300 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर देखो 3 का तो हमको पता है 9, 00 की आपकी बार 40 हो जाएंगे, 30 की 60, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जीरोज में, ठीक है। एक जीरो हो तो 20 हो जाएंगे, डबल हो जाएगी चीज़ें, जीरो है तो 0 आपकी डबल हो जाएगी, आपकी 4 टाइम 0 आ जाएगी, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 30 है तो उनको तो एज इट इज रखो, जैसे 0 हो आपकी 30 आएंगी, और 32 जो आपका आप बोलो सर 6 हो जाएगा, प्लस देखो 31 जो 3 और 32 जो आपका 6 हो गया, प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर 100, और इन सभी को ऐड कर देंगे 96,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से मैं समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका 508 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर इसको क्या लिखेंगे, 500 प्लस 8 का होल स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर 500 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर 25, 20 है तो 40 आपकी हो जाएंगे, आप बोलोगे जी सर, ठीक है। मल्टीप्लाई देखो 2 की 500 मल्टीप्लाई करें, 500 है ना 500, तो कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 1000 हो जाएगा, 1000 1000 के 8 में करेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 8000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8000 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 64, अगर ये ऐड करेंगे कितना आ जाएगा लास्ट में, 4 आएगा 6 आएगा 0 आएगी 8 आएगा 5 आएगा 258,064, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। ये वाला यहाँ कर लीजिए, थर्ड वाला आपका क्या है 630 का स्क्वायर, आप बोलो सर कैसे लिखना है, 600 प्लस 30 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 600 का स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 30 प्लस का 30 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर 36,00 की 4 टाइम 0 प्लस 36 या 18, 18 टू जै कितना होता है, आप बोलो सर 36 और 30 आपकी है इसमें, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर 9 और 0 की 00 आ रहा है समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर इनको ऐड करेंगे तो 009 6 9 हो जाएगा 396,900,
अगर समझ में आप बोलोगे जी सर, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे आपका यूजिंग द फॉर्मूला, ये एक और फॉर्मूला आपका, बस इसमें यहाँ आपका माइनस लग जाता है, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आपको ये करने, अब 196 को आप कैसे करोगे, 196 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलो सर 200 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर 200 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 4 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर 4 डबल जीरो की 4 टाइम जीरो हो जाएगा, आप बोलो जी सर माइनस 4 टू जा 8, 8 टू जा आप बोलो सर 16 डबल जीरो प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 16, ठीक है। देखो दो नंबर्स आपके प्लस के हैं, ठीक है, दो नंबर्स आपके प्लस के और एक नंबर माइनस का, तो पहले प्लस वाले एक साथ ऐड कर लीजिए, इसको इसके साथ ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 400016 और माइनस का 1600। माइनस करेंगे 6 में 0 जाएगा, 6 बचेगा, 1 में 0 जाएगा, 1 बचेगा, 0 में 6 नहीं जाएगा तो क्या ही लेंगे, 10 में 6 जाएगा 4 और 9 में से 1 जाएगा 8 में बचेगा 3, 38460 ये आपका आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर, ठीक है। अब सेकंड वाला यहाँ कर लेते हैं, 689 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर इसका स्क्वायर हो जाएगा 700 माइनस 11 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 700 का स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई 700 मल्टीप्लाई 11 प्लस 11 का स्क्वायर, आप बोलोगे जी सर 7 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 49, 7 का तो आपको पता है डबल जीरो कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 4 टाइम जीरो माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 7 टू जो 14, 14 के अगर 11 देखो 2 जीरो तो आपके ऐसे की ऐसी आएंगी, 14 की इसमें करेंगे तो 4554, 11 का कितना होता है, आप बोलोगे सर 121, ठीक है। प्लस वाले दोनों एक साथ ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 490121, माइनस में माइनस करना है 115400, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, आप बोलोग 1 में 0 जाएगा, आप बोलोग सर 1 बचेगा, 2 में 0 जाएगी तो आपका 2 बचेगा, 1 में से 4 नहीं जाएगा तो कह लेंगे 11 में 4 जाएगा आपका 7, यहाँ हो जाएगा आपका 9, 9 में 5 जाएगा 4, ठीक है। यहाँ आपका कितना बचेगा 8, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, नहीं 8 में से 1 जाएगा तो आपका 7 बचेगा और 4 हो जाएगा 474721, ये आपका हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से मैं आपका समझ चुके हैं, ठीक। और ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आप भी कुछ कर लेना, यानी कि बस सारा कुछ मैंने बता दिया और आपने छाप लिया, ठीक है। जब तक खुद लिखोगे नहीं, खुद मेहनत तो नहीं करोगे तब से आप, तब तक आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या इवेलुएट करना है, 69 मल्टीप्लाई 71, 94 मल्टीप्लाई 106। अब इसमें कुछ आपको दिख रहा होगा, ये नहीं कि बस मूर्खों की तरह बस मल्टीप्लाई करने लग गए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अब आपको जो मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर ए प्लस बी और ए माइनस। ऐसा भी हो सकता है अगर आपको ये कंडीशन गिवन है तो आपको ये बना लेनी है, ये गिवन है तो आप ये कर लोगे, ठीक है। हो सकता है आपको ये चीज गिवन हो तो आप ये बना लोगे। अब देखो कैसे, अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या है 69 मल्टीप्लाई 71, तो इसको क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर 70 माइनस 1 और 70 प्लस 1, वही कंडीशन बन गई आपकी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है आपको, इधर लेफ्ट वाली करनी है इस बार, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना आप बोलोगे सर 70, ए कितना आप बोलो सर 70, 70 का स्क्वायर माइनस 1 का 70 कितना होता है, आप बोलो सर 49, 7 का 10 की डबल जीरो माइनस का 1 कर देंगे, इसमें से अगर 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका, आप बोलोगे सर 9, 9 और 8 4, तो कितना बचेगा आप बोलोगे सर 4899, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको सेकंड वाला करना है, सेकंड वाले कैसे ब्रेक करोगे, आप बोलो सर 100 के नजदीक दिख रहा है, 100 माइनस 6
अरे अभी तो ये आपका 94 ही लिखा है मैंने, 100 माइनस 6, ठीक है। अगर और इसको क्या लिखेंगे, 100 प्लस 6, आप बोलोगे जी सर। अभी क्या बन रहा है आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली कंडीशन बन रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली तो कंडीशन बन रही है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल वही कंडीशन बन रही है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर 10,000, ये तो हमें रटा हुआ है 36, इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, आप बोलो सर 4,6,9,964, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे आप बता रहे हैं, ठीक है, ठीक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आप उल्टा भी लगा सकते हो सीधा भी, बात आपकी सेम होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोला गया है, इवेलुएट, ये भी आपका बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, दिख भी रहा होगा आपको, आप बोलोगे जी सर। फर्स्ट वाले में क्या करना है, 88 मल्टीप्लाई 92, अब 88 को क्या लिखेगा, आप बोलोगे सर 90 माइनस 2, 90 क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर 90 प्लस 2, 92 को फिर वही बन गया आपका 90 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 9 का तो हमने पढ़ा है 81, 0 की डबल 0 माइनस 2 का होता है, आप बोलो सर 4 हो जाता है, जिस 4 माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा, आप बोलो सर 6908, 896, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। पढ़ते हैं सेकंड की तरफ, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 78 मल्टीप्लाई 82, 78 को क्या लिखेंगे, आप बोलो सर 80 माइनस 2, तो क्या लिखेंगे 80 प्लस 2, अब बोलो जी सर ये क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, आप बोलो जी सर 8 का कितना होता है, आप बोलो सर 64, 0 की डबल 0 माइनस 2 का कितना होता है, आप बोलो सर 4, माइनस कर देंगे कितना बचेगा, आप बोलोगे सर ये बचेगा 6, ये बचेगा 9 और ये बचेगा 3 और ये बचेगा 6, माइनस करने तो आते ही होंगे, तो पहले माइनस करने से सिखाया जाए आपको, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं हमको सब आता है, ठीक है। तो ये भी आपका 11 क्वेश्चन हो गया, बढ़ते 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है आपके, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, एन द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज, आगे फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने बताया था इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको ऑलवेज इवन रहेगा, इज ऑलवेज इवन, ठीक है, या तो इवन लिख दो फिर ऑलवेज इवन लिख दो, ऑलवेज इवन, आप बोलोगे जी सर, ठीक है। आगे क्या है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर, क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ऑलवेज ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन या ग्रेटर देन द गिवन फ्रैक्शन, देखो यदि किसी फ्रैक्शन का आप स्क्वायर करोगे, यहाँ आपका अब क्या आएगा, तो उसका जो स्क्वायर है जो आपका आंसर आएगा उससे छोटा होगा या बड़ा होगा, जैसे सपोज दैट की 1/2 का स्क्वायर करते हो आप, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1/4, अब मुझे बताओ 1/2 बड़ा है या 1/4, कौन सा बड़ा है आपका, 1/2 बड़ा है या 1/4 आपका बड़ा है, आप बोलोगे सर 1/2, कैसे सर हमने पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 किस मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 किस में करेंगे 2, आप बोलो सर ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो वो नंबर आपको ऑलवेज बड़ा रहता है जिसका आप स्क्वायर करते हो फ्रैक्शन, आप द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन, क्या आएगा आपका, लेस देन आएगा, क्या आएगा, आप बोलो सर लेस देन आएगा, लेस आएगा देन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आएगा, आप बोलो सर लेस आएगा, ठीक है। एन स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन, तब एन स्क्वायर किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया अभी था, अरे 1 प्लस 3 दो नंबर है, एन दो है तो दो एन का स्क्वायर मतलब दो का स्क्वायर कर दोगे तो इसके सम के बराबर हो जाएगा 4, 1 प्लस 3 प्लस 5 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 9, ये क्या आपके ऑड नंबर ही तो है, एन ऑड नेचुरल नंबर, एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर ऑड नेचुरल नंबर का अगर आप सम करोगे तो एन स्क्वायर के इक्वल ही तो होता है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। 13 क्वेश्चन आपका क्या है, राइट
टी फॉर ट्रू एंड फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो. द नंबर्स ऑफ डिजिट इन द परफेक्ट स्क्वायर इज इवन. द नंबर ऑफ डिजिट इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन. जो नंबर होते हैं हाँ इसके द नंबर ऑफ डिजिट मतलब डिजिट में मतलब कितने डिजिट नंबर है वो आपके और इन्हें परफेक्ट स्क्वायर वो इवन होते हैं आपके. जरूरी नहीं वो आपके इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है. कैसे हो सकता है इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है. तो आपका फॉल्स हो जाएगा. आप बोलोगे जी सर द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज प्राइम. प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा. थ्री प्राइम नंबर उसका स्क्वायर करोगे नाइन और नाइन तो आपका एक कंपोजिट नंबर होता है. कौन सा होता है अरे वो उसी नंबर से तो कटेगा जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो. 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 आएगा. तो 289 आपका 7 से तो डिविजिबल होगा ही होगा. प्राइम कैसा हो जाएगा इसलिए ये भी आपको फॉल्स हो जाएगा. ऐसा नहीं आप बोलोगे जी सर द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर. दो परफेक्ट स्क्वायर का सम ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर होता है. ये हर कंडीशन में नहीं होता. ये बस आपका ट्रिपलेट की कंडीशन में होता है. जैसे सॉरी मैंने आपको बताया था थ्री और फोर का अगर स्क्वायर करोगे फाइव के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. लेकिन अगर थ्री और सिक्स के स्क्वायर के बराबर करोगे तो वो थोड़ी आ जाएगा. ठीक है वो आपका 45 आ जाएगा और ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. तो ये भी आपका क्या हो जाएगा ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा. ठीक है ऐसा वो कभी कभी आपका हो सकता है स्क्वायर के बराबर लेकिन ऑलवेज आपका स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता. द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर. दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. ये कंडीशन में आपके पॉसिबल नहीं है. दो परफेक्ट स्क्वायर का अगर डिफरेंस लोगे जैसे 36 और 16 इन दोनों का डिफरेंस लोगे 20 आएगा. तो 20 परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी है. आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है. ये भी आपका कैसा हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा. ठीक है आगे लिखा होता है प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर. दो परफेक्ट स्क्वायर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा. हाँ जी ये बिल्कुल पॉसिबल है. यदि आप 16 या जैसे कि 9 है और आपका 16 है अगर इनकी मल्टीप्लाई दोनों देखो दोनों आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके वो होते हैं जो किसी नंबर के आपके क्या क्या होते हैं स्क्वायर होते हैं. 9 किसका स्क्वायर? आप बोलो सर 3 का. 16 किसका? आप बोलो सर 4 का. ठीक है परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके वो होते हैं जो किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं. ठीक है इसमें बोला गया है किन्हीं दो परफेक्ट स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा. चेक करिए 9 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144 और 144 तो हाँ जी सर स्क्वायर होता है तो 12 का. ठीक है तो ये आपका क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा. इसलिए कैसा हो जाएगा? आप बोलो सर ट्रू हो जाएगा. ये कैसा हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा. ठीक है और बस ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर ख़त्म हो होती है. ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी होगी. मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि मैं आपको डिवीजन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड बताऊंगा. ठीक है लेकिन ये वीडियो आपकी इतनी बड़ी हो चुकी है मैं इसमें नहीं बता पा रहा. उसके लिए मैं एक अलग से क्लास लाऊंगा या फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर आपको डिवीजन मेथड के क्वेश्चन आएंगे तो उसी में आपको बता दूंगा डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं. मल्टीप्लीकेशन प्राइम फैक्टराइजेशन वाले तो आपको आते भी होंगे. ठीक है प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयर बना के वो तो आपको आते होंगे लेकिन डिवीजन वाले मेथड थोड़ा हार्ड पड़ जाता है बच्चों के लिए. इसलिए उसको मैं आपको अच्छे से कराऊंगा. ठीक है अब उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी. ठीक है अगर किसी बच्चों को कुछ डाउट होता है तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ व्हाट्सएप पे ग्रुप जो कि बच्चों के लिए सैटरडे से संडे आपका ओपन रहता है. सैटरडे संडे आपका ओपन रहता है. उसमें किसी बच्चे को अगर कुछ डाउट होता है वो भेज देना. ठीक है उस ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो. CBSE बोर्ड के लिए अलग है और UP बोर्ड के लिए अलग है. ठीक है दोनों बोर्डों के लिए अलग है. आप जोन से बोर्ड के आप बच्चे हो उसको जाके ज्वाइन करो फिर उसमें अपनी क्वेरी भेज सकते हो. आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा. ऐसा नहीं आपको वो चीज़ नहीं बताई जाएगी. और आप 6 से लेकर 12th क्लास तक किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई क्वेरी हो तो आप उसे भेज सकते हो. जरूर वो आपकी सॉर्ट आउट की जाएगी. ठीक है उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें. और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें. धन्यवाद.